नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं एक और न्यूट्रिशनल रेसिपी लेकर आई हूँ। अगेन नेचर के साथ हमें जुड़ना है तो नेचुरल फॉर्म में ही हमें खाना चाहिए। तो ये रेसिपी है जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में भेलपूड़ी कहते हैं। बहुत यमी टेस्टी होती है, लेकिन भेलपूड़ी विद अ ट्विस्ट, जिसमें हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे और हम भुने चने डालेंगे जो बहुत ही न्यूट्रिशनल होते हैं। गुड़ और चने का कॉम्बिनेशन तो हमें हॉर्स पावर देगा। और इसमें हम नेचुरल चीज़ें डालेंगे, धनिया, खीरा, आम। आम सीजनल फ्रूट है, हमें सीजन के ही फ्रूट्स को ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। और टमाटर, प्याज और नींबू। और जो लोग प्याज नहीं खाते तो वो प्याज ना डालें, वो उबले हुए आलू भी डाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो अब जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने इसमें देखिए कि बारीक खीरे काट लिए हैं, टमाटर, बारीक प्याज, धनिया, आम और नींबू रखे हैं। नींबू को हम इससे निचोड़ेंगे। हाथ हमें कम यूज़ करना है, क्योंकि आपको पता है कोरोना का टाइम चल रहा है और हमें अपने हाथों को बार बार धोना है। इनफैक्ट मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो हम देखें कि हमारे नेल्स भी बहुत क्लीन हो, नेल पॉलिश ना लगाएं, अवॉइड करें, क्योंकि इससे हम हाइजीनिक खाना ज़्यादा बनाएंगे और वो अच्छा भी होता है। हमने अपनी फैमिली के लिए बनाना है। और इसमें हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे और ये भेलपूड़ी जो बाज़ार में मिलती है ट्राई करें, ब्रांडेड लें, क्योंकि उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। ऑयल भी जो यूज़ होता है वो अच्छा होता है। और भुने हुए चने, भुने हुए चने भी ट्राई करें, हम ब्रांडेड ही लें, क्योंकि नहीं तो कई बार बहुत सख्त चने होते हैं। अगर हम लोकल चने लेते हैं तो उससे क्या होता है कि वो मुंह में फिर सख्त आता है तो वो टेस्टी नहीं लगता। और इसमें हम चाट मसाला डालेंगे, ये घर में बनाया गया चाट मसाला है। इसमें काला नमक, कसूरी मेथी, भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डाली है और बहुत टेस्टी, बहुत जल्दी बन जाता है। और कसूरी मेथी और भुने हुए जीरे का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। घर में भुना है, जीरे को पीसा है। तो आइए देखते हैं हम इसको हम मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम सारे हम अपने कटी हुई चीज़ों को मिक्स करेंगे, क्योंकि ये बाद में भेलपूड़ी और हम चने बाद में मिक्स करेंगे, अदरवाइज़ वो सौगी हो जाते हैं। तो हमें देखना है कि चीज़ें सौगी ना हो और चीज़ें टेस्टी बने। तो सबसे पहले हम इनको हम अपने एक बर्तन में, इसके लिए हम एक बड़े बर्तन का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि चीज़ें गिरे ना और वो कम्फर्टेबली इसके अंदर आए और हम उसको आराम से मिक्स भी कर पाए। और हम इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट होती है, जिसको जो पसंद है उस हिसाब से, क्योंकि उसमें विटामिन सी है। कुकम्बर हमें पता है कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो हम फेस पे भी लगा सकते हैं और इसमें कैलोरीज नहीं होती है। टमाटर अगेन कंजम्पशन के लिए बहुत अच्छा है। गुड़ की तो प्रॉपर्टीज़ फिल्टर करती है गुड़ चने। तो अभी देखिए हम बारीक बारीक गुड़ काट रहे हैं, पतला पतला गुड़, और इसमें हम डालेंगे। इसमें हमें चटनी नहीं बनानी, क्योंकि इसमें हम पहले ही मैंगो डाल रहे हैं, इसमें मीठा आएगा और स्पेशली बच्चों को मीठा भी बहुत पसंद है। और अगर किसी बच्चे को बहुत तीखा भी पसंद है तो हम हरी मिर्च प्रेफर करें डालना, नेचुरल फॉर्म है हरी मिर्च का। और जब ये गुड़ और चने का कॉम्बिनेशन जब बनता है तो बहुत टेस्टी लगता है। और इसमें हम गुड़ डालेंगे और गुड़ को भी ट्राई करें कि हम धो लें, धो कर हम गुड़ को डालें, जिससे कि गुड़ और भी क्लीन हो जाए। और गुड़ खाना हमारे ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यू अगर हम देखें तो हम रोटी के बाद गुड़ ज़रूर खाते हैं, डाइजेशन के लिए भी, मीठा भी होता है। कभी कुछ शादी ब्याह भी होता था तो गुड़ के गुड़ पारे बनते थे। तो हम अपने कल्चर से अगर जुड़े रहें तो स्वाद का स्वाद मिलेगा और हमें बहुत एक फीलिंग अच्छी होगी कि हम अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इंडियन कल्चर में, इंडियन किचन में सेहत का राज है। और इंडियन किचन इतना फुल ऑफ वैरायटी है कि मज़ा आ जाता है देखकर। और हमें पता है कि वर्ल्ड ओवर भी लोग इंडियन क्यूजीन को बहुत पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और अलग अलग ट्विस्ट देकर चीज़ों का मज़ा अलग हो जाता है। तो हमने नींबू डाल लिए हैं और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला अकॉर्डिंग टू आवर टेस्ट हम डाल सकते हैं,
क्योंकि कईयों को नमक ज़्यादा अच्छा लगता है, कईयों को मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम इसको मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें गुड़ भी मिल गया है, क्योंकि उसमें आम था, सारी सब्जियों में खुद ही एक वाटर कंटेंट होता है उनके अंदर, और वैसे भी हमें पानी को भी बचाना है, जल ही जीवन है। और हर चीज़ का इस्तेमाल अगर हम एक वैल्यू बेस से करें तो हम देखेंगे कि जीवन में हम खुद भी खुश हैं और दूसरों को भी खुश रख सकते हैं, क्योंकि ये मिलकर ही हम सब ने करना है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचाना है हमने। ये देखिए, हम इसको मिक्स करेंगे और ये हमारी न्यूट्रिशनल गुड़ वाली भेलपूरी तैयार है। और आइए पहले इसको खुद टेस्ट करेंगे अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाने से पहले, क्योंकि अगर हमें इसका टेस्ट अच्छा लग रहा है तभी हम सर्व करें। और अगर थोड़े से चेंजेस करने हैं, जैसे अगर नमक ऐड करना है या थोड़ा सा मिर्च ऐड करनी है, तो हम कर सकते हैं। तो आइए इसको डालते हैं और टेस्ट करते हैं। तो ये मैंने बनाई है। तीखा भी बिल्कुल परफेक्ट है, गुड़ का जो फ्लेवर आ रहा है और भुने चनों का जो फ्लेवर आ रहा है, बड़ों को भी पसंद आएगी, आपके घर के बुजुर्गों को भी पसंद आएगी, क्योंकि नरम हो जाते हैं इसमें, बच्चों को भी पसंद आएगी। तो आप भी खाइए, सबको खिलाइए। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।